जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। अभी सुबह की 5 बज रहा है एंड गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू। वैसे आप लोगों को बता दूँ, प्रोफेशनली मैं एक कैबिन क्रू हूँ एंड मेरा आज फ्लाइट है। मेरा 2 दिन का पैटर्न्स लगाया गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना डिफरेंट सा वीडियो बनाया जाए। नॉर्मली तो मैं ट्रेंड्स का वीडियो डालती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो डालना चाहे। वैसे वीडियो का थीम क्या है ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, टॉपिक पता चल ही गया होगा बाय द टाइटल एंड द थंबनेल एज वेल। तो यस, 2 दिन का मेरा फुल पैटर्न है। मैं हूँ बॉम्बे बेस्ट क्रू, तो बॉम्बे से मेरा फर्स्ट फ्लाइट है जोधपुर, जोधपुर से ब्रिटेन, फिर यहाँ से चेन्नई एंड आगे भी है। तो जाते जाते वो आप लोगों को बताते चलूँगी। एंड मेरा फर्स्ट लेओवर मिला है मुझे, 2 दिन का फुल पैटर्न है। तो मैंने सोचा कि मेरा ये एक्सपीरियंस क्यों ना आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं। सुबह की 5 बज रही है, मेरा रिपोर्टिंग टाइम है 7:30 बजे, कैब ऑलमोस्ट 6:30 के अराउंड आ जाता है। तो यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगता वैसे एयरपोर्ट पहुँचने, मैं एयरपोर्ट के पास ही रहती हूँ। तो मैंने लगा कि चलो आप लोगों को भी मैं साथ में लेके चलती हूँ मेरे साथ इस एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो यस, टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है, तो चलते हैं, रेडी होते हैं। मुझे अभी मेकअप करना है, यूनिफॉर्म पहननी है, बाल बनाना है, तो देयर इज़ अ लॉट टू डू। वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ओवर हियर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने अपना यूनिफॉर्म पहले ही पहन ली थी एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट करा अपना बाल बनाने से। कंपनी से हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइन दी जाती है जो हमको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ग्रूमिंग गाइडलाइन होती है हमारी, उसके लिए अलग से एक PDF आती है विच वी नीड टू फॉलो स्ट्रिक्टली। वहाँ पर हमारे ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं जो रैंडम चेक्स करते हैं, एंड अगर उन लोगों को मिला कि यू आर नॉट फॉलोइंग एनी वन ऑफ द गाइडलाइन, देन फिर कॉशन लेटर देते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन ऑल द ग्रूमिंग गाइडलाइंस। तो हमारे हेयर स्टाइल्स भी कुछ परमानेंट होती हैं, कुछ फिक्स्ड होती हैं। ऑब्वियसली देयर आर ऑप्शंस, बट उन्हीं ऑप्शंस में से हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। एंड विच एक्सेसरी वी आर यूजिंग फॉर आर हेयर, वट एवर वी आर डूइंग, इट्स ऑल कंपनी सजेस्टेड। मैंने रिसेंटली अपना हेयर कलर करवाया था, तो जो कलर आप देख रहे हो मेरे बाल पे है, दैट इज़ ऑल्सो कंपनी सजेस्टेड, लाइक उनका शेड कार्ड होता है। तो वन ऑफ द कलर आई हैव यूज्ड फॉर माई हेयर, एंड मैं यहाँ पर डोनट बन यूज़ करके अपना बाल बना रही थी। इट्स अ वेरी प्रिटी सिंपल हेयर स्टाइल, मोस्टली मैं साइड पार्टीशन करके ही करती हूँ, मिड पार्टीशन इज़ नॉट अलाउड फॉर आर कंपनी। तो मैं वही बाल बना रही थी, एंड प्रोडक्ट्स भी हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं ना, वो भी स्पेसिफाइड होती हैं, वी कैन नॉट डिफर फ्रॉम आर ग्रूमिंग गाइडलाइन। पहले मैं सोच रही थी कि आज साड़ी पहनूंगी, पता नहीं हो तो आप लोगों को मैं बता दूं कि एयर इंडिया से हम लोगों को 4 यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड की जाती है। एक होता है रेड कुर्ती, एक है ब्लू कुर्ती, वन इज़ रेड साड़ी एंड अनदर वन इज़ ब्लू साड़ी। तो 4 यूनिफॉर्म होती हैं, हम लोग कुछ भी पहन सकते हैं, कोई भी दिन कुछ भी पहन सकते हैं। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं साड़ी पहनूंगी, बट फिर देखा कि सेक्टर्स आर प्रिटी लॉन्ग सेक्टर्स, तो मैंने वो आइडिया चेंज करा। कुर्ती भी अच्छी दिखती है, एंड कुर्ती का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है कि ये बहुत कंफर्टेबल होती हैं, तो काम करने में हेल्प होती हैं। एंड मेरा बहुत लॉन्ग फ्लाइट था, 3 सेक्टर आज करना था मुझे, तो इसलिए लाइक आई वोर माई ब्लू यूनिफॉर्म। एंड मैंने अपना बैग भी पैक कर लिया था पहले ही। हम लोगों को 2 बैग कैरी करना मैंडेटरी होता है, वन इज़ आर हैंड बैग, जो साइड बैग होती है स्लिंग बैग वो, एंड अनदर वन इज़ अनदर कैबिन बैग। दोनों ही हम लोग कैबिन में ही कैरी करते हैं, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कैरी करनी पड़ती हैं, लाइक हमारी एक कैबिन शूज़ होती है, फ्लैट होती है, वो हम लोग नॉर्मली तो हील पहनते हैं, बट कैबिन में पहनने के लिए हमारे पास एक फ़्लैट होती है, वो लेना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ यूनिफॉर्म लेना पड़ता है, कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स होता है विच इज़ लाइक नेसेसरी टू कैरी। फिर मेरा लेओवर भी था, तो फुल जो मेरा मेकअप बॉक्स है मैं वो भी कैरी कर रही थी। एंड यहाँ से हमको एयरपोर्ट पहुँच में टाइम तो ज़्यादा नहीं लगता, बट कैब हमारी रिपोर्टिंग टाइम से ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले ही आ जाता है पिकअप करने के लिए। एंड हम लोग लेट भी नहीं हो सकते हैं फ्लाइट में जाने के लिए, हम लोगों को बहुत पंक्चुअल होना पड़ता है। मेकअप का भी बहुत सारे स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, जैसे शेड भी हमारे कंपनी से रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे लिपस्टिक, आई शेडो, एवरीथिंग, तो सब कुछ फॉलो करके हम लोगों को रेडी होना पड़ता है। एंड सब कुछ मैं ऑलरेडी सबमिट ली थी, बिकॉज तुम टाइम से पहले आओ दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट टाइम से 2 मिनट भी तुम डीले से नहीं आ सकते। माई हेयर इज ऑल्सो डन, अभी मैंने कुर्ती ऑलरेडी पहन ली थी स्टार्टिंग में ही, अभी मुझे बस कोट डालना है, बाकी सब कुछ फिक्स करना है, एंड कुछ ही देर में मेरा कैम्प आने वाला है, तो उसका वेट करते हैं।
दिस इज़ इंडो वेस्टर्न स्टाइल यूनिफॉर्म, तो इसमें एक कोट होता है एंड कोट के ऊपर हम लोगों को अपना नेम बैच लगाना एंड विंग्स लगाना मैंडेटरी है, वी कैन नॉट स्किप दिस पार्ट। साथ ही में ऑब्वियसली आईडी कार्ड भी होती है, उसमें ए भी होते हैं जो कि हमारी एयरपोर्ट में एंट्री का पास होती है। एंड यूनिफॉर्म के पार्ट में ही हमारी एक काल होती है, इट्स लाइक अ स्कार्फ, इसको काल डिज़ाइन में हम लोग को पहनना पड़ता है। तो एंड उसका भी पहनने का एक पर्टिकुलर सा ही डिज़ाइन है, वो अगर आप फॉलो ना करो लिटरली आई हैव सीन क्रूज गेटिंग कॉल्ड आउट फॉर दैट ऑल्सो। तो एवरीथिंग इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड यू नीड टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द कंपनी गाइडलाइन। तो मैं वही पहन रही थी एकदम परफेक्टली पहन के, मैं बहुत पहले ही रेडी हो रही थी बिकॉज अभी भी मेरे पास बहुत टाइम था। तो मेरा कैब ड्राइवर आ गया है एंड मैं जा रही हूँ अपनी कैब की तरफ। सुबह के ऑलमोस्ट 6:30 बज रहे होंगे एंड लुक एट दिस वेदर, इट वॉज लाइक गोल्डन लाइट आ रहा था एंड द वेदर वॉज प्रिटी गुड। कैब मेरा ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले आ गया था बिकॉज माई रिपोर्टिंग टाइम वॉज 7:30 और यहाँ से जाने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, बट येस कभी कभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऑल दो इट वॉज मॉर्निंग टाइम तो ट्रैफिक की उतना कुछ गुंजाइश तो थी नहीं, बट या टू बी ऑन द सेफर साइड इट्स ऑलवेज बेटर टू रीच अर्ली। मेरा फर्स्ट फ्लाइट का जो टाइमिंग था रिपोर्टिंग था मेरा 7:30 पे, बट फ्लाइट डिपार्चर टाइम वॉज 9:15। हम लोगों को बहुत टाइम पहले ही जाना पड़ता है डिपार्चर से क्योंकि एयरपोर्ट पहुंचने के बाद भी हम लोगों को बहुत सारे काम होती है। हम लोगों को कैब P10 पे ही छोड़ता है, हम लोग एंट्री करके सीधा जाते हैं अपने बेस पे, वहाँ पर जाके हम लोग BA करवाते हैं, दैट इज़ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट। टेस्ट हो जाने के बाद अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आता है तभी आप जाते हो अपनी फ्लाइट के लिए। फ्लाइट से पहले ब्रीफिंग होती है जहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि फ्लाइट में किसका पोजीशन क्या होगा एंड उसके बाद हम लोग फ्लाइट की तरफ जाते हैं। सच बताओ तो ऑन बोर्ड काम करते करते वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। पहला सेक्टर जोधपुर सेक्टर था जैसे मैंने कि आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है एंड हमारी करियर एयर इंडिया फुल सर्विस करियर है, तो फिर इसमें खाना वगैरह सर्व होता है तो सर्विस करने में बहुत टाइम जाता है, बहुत ज़्यादा काम होते हैं। उसके बाद हम लोग जब बॉम्बे वापस आए जोधपुर से, हमारे बीच में ऑलमोस्ट 2 घंटे की हमारी भी हॉल्ट थी एंड उसके बाद था हमारी नेक्स्ट फ्लाइट और उसके लिए हमारी एयरक्राफ्ट चेंज होने वाला था, तो हम लोग को एयरक्राफ्ट चेंज करना पड़ा। नेक्स्ट सेक्टर में मैंने बिजनेस क्लास में काम किया। पहले वाले सेक्टर की जो एयरक्राफ्ट थी उसमें कोई बिजनेस क्लास था ही नहीं, नेक्स्ट सेक्टर में बिजनेस क्लास था। बिजनेस क्लास की फुल सर्विस कम्प्लीट करने के बाद मैंने अपना खाना खाया, फिर फ्लाइट चेंज करके चेन्नई सेक्टर ऑपरेट करके हम लोग अभी जा रहे थे अपनी कैब की तरफ। चेन्नई में उतर के हम लोगों को कैब लेने आया था, तो वहाँ पर कैब की जोन में जा रहे थे, कैब से हम लोगों को जाना था अपनी होटल। हम लोगों को होटल मिला था विवांता बाई ताज चेन्नई। कैब लेने के बाद वी ऑल वेंट एंड ये फ्लाइट मैं इंडिपेंडेंस डे के नेक्स्ट डे ने ऑपरेट कर रही थी, तो अभी भी एयरपोर्ट्स वगैरह सब कुछ इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से ही सजे हुए थे। चेन्नई का वेदर तो थोड़ा गर्म ही होता है, टेम्परेचर वॉज अ लिटिल बिट हाइट एंड ह्यूमिड, बट लुक एट दिस ब्यूटिफुल सनसेट। ये खूबसूरत सी सनसेट सारी टेम्परेचर एंड सारी थकावट को दूर कर रही थी, ऑल दो आई वॉज सुपर एग्जॉस्टेड एंड डोजिंग ऑफ इन द कैब ओनली। सो गाइस एट लास्ट फाइनली, टाइम देखो हम लोग 7:30 ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपने होटल एंड दिस इज माय रूम। द रूम इज प्रेटी गुड राइट एंड यहाँ पर सिंगल ऑक्यूपेंसी का रूम हम लोग को दिया जाता है। लिटरली बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अभी जस्ट मैंने चेक इन करा एंड चेक इन करके दिस इज अ रूम एंड दिस इज द वॉशरूम। Pretty good, right? This is the washroom and ये देखो दिस आर द क्लोजेट्स, दिखा दो एक बार। लाइक ऑब्वियसली मेरा तो इतना कोई काम नहीं है एंड इसके अंदर देखो यहाँ पर एक विंग स्केल भी है। तो अभी मैं पहले तो अपना यूनिफॉर्म लॉन्ड्री पे दूंगी एंड उसके बाद फ्रेश होंगी, नहाऊंगी, उसके बाद खाने चलते हैं। यहाँ पर डिनर टाइम इज स्टिल 10:30, तो फिर डिनर करने नीचे जाएंगे बूफे, सारे क्रू ही मोस्ट प्रॉब्ली साथ में चलेंगे एंड उसके बाद सीधा सोना है बिकॉज सुबह सुबह फिर से चेकआउट है, फिर से मेरा सिंगापुर का फ्लाइट है।
आज के लिए डन. वी आर लाइक वी हैव ऑलरेडी ऑपरेटेड 3 सेक्टर, बॉम्बे जोधपुर, जोधपुर बॉम्बे, देन बॉम्बे चेन्नई, चेन्नई में आके यहाँ पर आज स्टे है. फिर से कल सुबह हम लोग जाएंगे सिंगापुर, सिंगापुर से फिर से बैक टू बॉम्बे. अच्छा, बाय द वे, होटल में आते ही वो लोगों ने हम लोगों को ये कार्ड दिया, ये कार्ड जिसमें की होता है, एंड उसके साथ उन्होंने जैसे माथे पे देख सकते हो लाइक दे वेलकम यू, एंड ये गार्ड पहना पहनाता है. सो ये ऐसा उन्होंने वेलकम करा, एंड लिटरली आई एम लविंग द वाइब ऑफ दिस रूम. डबल बेडरूम है, लिटरली अकेले सोने के लिए डबल बेडरूम है. तो मज़े करते हैं, मैं बहुत थक चुकी हूँ लिटरली, तो फ्रेश हो जाते हैं. मैं अभी नीचे आई हूँ रेस्टोरेंट पे, यहाँ पर अभी डिनर करने आई हूँ. लिटरली अदर क्रूज आर सो एग्जॉस्टेड कि वो सब सो गए हैं, एंड बाकी सबने रूम तो ऑर्डर किया है, बट मेरा फर्स्ट लोवर है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए. तो मैं नीचे आई हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. मैंने बहुत सारी चीज़ें लिया है, सब तो नहीं खा पाऊंगी, बट थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने के लिए मैंने सब कुछ लिया है, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिया है. तो दिस प्लैटर, दिस इज मटन बिरयानी, बस इसमें मटन की कोई पीस नहीं थी. दिस इज चिकन का कुछ है, ये फिश सूप, बाकी इस साइड पे पूरा सैलड लिया है हेल्दी वाला, एंड दैट प्लेट इसमें पूरा स्टार्टर है. तो यस, दिस इज़ ऑल आई गॉट. सब कुछ थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे, और भी कई सारे चीज़ें हैं, डेजर्ट भी है, वो भी लेंगे, वो सब भी टेस्ट करेंगे. क्या हुआ था कि बाकी सारे जो क्रूज थे सब मेरे से सीनियर थे, एंड मोस्ट ऑफ देम वर फ्लाइंग फॉर ईयर्स और मंथ्स, तो उनको बहुत सारे लेवर ऑलरेडी मिल चुके थे, एंड दे वर लिटरली एग्जॉस्टेड फ्रॉम सो मच ऑफ फ्लाइंग. वैसे इस महीने में ही मैं रिलीज़ हुई थी फ्रॉम अ ट्रेनी कैबिन क्रू टू अ सोलो कैबिन क्रू, तो मैं तभी फ्लाई करना स्टार्ट की थी, एंड दिस वॉज माई फर्स्ट लेओवर. तो मुझे कुछ भी चीज़ एंड कोई भी एक्सपीरियंस मिस आउट नहीं करना था. नीचे डिनर बुफे था जो हम लोगों को ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नीचे जाती हूँ. बाकी सारे क्रूज बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे, तो कोई नीचे नहीं आ पाए, सबने अपने रूम में खाना मंगवा लिया था. आई वेंट अलोन, दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम गोइंग अलोन टू एनी रेस्टोरेंट, बट टू बी ऑनेस्ट सच बताऊँ तो दिस वॉज अ कामिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. मुझे आराम से अपना खाना खाने को मिला, लिटरली आई डिडंट हैव टू टॉक टू एनी वन, एंड वो जो होता है ना कि स्मॉल टॉक करो वो भी नहीं करना था. एंड फिर मैं आराम से वीडियो बनाया, खाया, सब कुछ किया, टेस्ट करा, मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट लिया थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट करने के लिए और आप लोगों को रिव्यू देने के लिए. तो यस, आई एन्जॉयड माई ओन कंपनी, बट येस आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सम पीपल डोंट लाइक टू लाइक ईट अलोन और डू सर्टेन थिंग्स अलोन, दैट्स देयर ओन चॉइस, बट आई एन्जॉय दिस थिंग. एंड मुझे सबसे अच्छी बात क्या है ना इस जॉब की, अच्छी बात भी है, नेगेटिव थिंग भी है, कि हर रोज़ आपको न्यू क्रू सेट मिलता है, तो यहाँ पर कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं बनता आपका. तो मैं भी जिन लोगों के साथ फ्लाई कर रही थी, आई मेट देम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सो व्हेन आई गॉट टू नो कि एवरीवन हैज़ ऑर्डर्ड देयर फूड इन द रूम ओनली, सो आई हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज low-key I wanted to go alone. I took my time to check out all the food and had the best time of my own. First the starter ka counter jisme veg non veg option tha, yahan tha main course ka options, yahan par bhi kafi sare options the, but dinner start hota almost 7 se and main aayi thi 10 baje ke baad, 10:30 tak dinner chalta hai, to bahut sare options khatam bhi ho gaye the, but fir bhi options ki koi kami nahi tha. Is side mein tha chaat ka counter and salads ka counter, bahut sare dip ke bhi options the, and यहाँ से स्टार्ट हो रहा था हमारी डिज़र्ट के काउंटर, डिज़र्ट में बहुत सारे ऑप्शंस थे. मैंने थोड़ा सा लिया था फिर से स्टार्टर, नूडल्स एंड पास्ता टेस्ट करने के लिए. दिस स्टार्टर, दिस इज स्टार्टर, दिस इज रियली गुड, ये समथिंग सिंगापुरियन नूडल्स, जस्ट टुक अ लिटिल बिट टू ट्राई इट, दिस ट्राई. ऑल द आवर्स टू फुल, बट हाउ कैन आई से नो टू डेजर्ट्स, लुक एट माई प्लेट, मैंने ऑलमोस्ट सब टाइप के डेजर्ट लिए थे टेस्ट के लिए. Hey guys, so अभी डिनर हो गया है एंड लिटरली आई एम ऑलरेडी इन द बेड, बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ एंड 11:30 बजने वाला है ऑलमोस्ट, तो अभी सोते हैं, कल फिर से सुबह सुबह उठना है, एंड कल फिर से मेरा दो लॉन्ग सेक्टर है. फर्स्ट सेक्टर इज चेन्नई सिंगापुर, विच इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 4.5 घंटा, लाइक 4 hours 15 minutes, एंड वहाँ पर 1 घंटे का हॉल्ट है, लिटरली 1 hour का हॉल्ट है, एंड उसके बाद फिर से हम लोग बैक करने वाले हैं.
सिंगापुर बॉम्बे, विच इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 5.5 घंटा। यस, कल भी बहुत ज़्यादा काम होने वाला है एंड कल भी मैं थकने वाली हूँ, लिटरली एग्जॉस्टेड होने वाली हूँ। कल पूरा दिन काम करनी है एयरक्राफ्ट में, तो अभी फ़िलहाल सोने चलते हैं। कल का भी क्लिप्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो यस, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स गो टू स्लीप। गुड नाइट, बाय। गुड मॉर्निंग, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी रेडी हो चुकी हूँ अपने फ्लाइट के लिए। आई हैव डन माई मेकअप, आई एम वेयरिंग माई यूनिफॉर्म, सो एवरीथिंग इज़ रेडी। एंड यस, मेरी फ्लाइट है सुबह सुबह, जैसे कि कल रात ही मैंने आप लोगों को बताई थी। एंड यहाँ पर मैंने अपनी बैग्स भी पैक कर लिए। दिस इज़ माई हैंड बैग एंड दिस इज़ ऑल्सो द कैबिन बैग, ये भी मैंने पैक कर लिया है, ये भी पैक कर लिया है। तो एवरीथिंग इज़ रेडी। तो यस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, बहुत जल्दी जल्दी रेडी हो चुकी मैं। एंड द थिंग वाज कि मेरा रिपोर्टिंग टाइम था, मतलब मेरा होटल से डिपार्चर टाइम था 8:15 का, बट द फ्लाइट गॉट डिलेड एंड वी गॉट द नोटिफिकेशन। सो अभी फ्लाइट डिले होके हमारा डिपार्चर हो गया है 8:45। आधे घंटे डिले से हम लोग होटल से चेकआउट करेंगे एंड अभी हो रहा है 8:15। तो अभी भी आधा घंटा है मेरे पास, थोड़ा सा चिल कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से बहुत हेक्टिक 2 सेक्टर है मेरा। मी शो यू अनदर थिंग, यहाँ विंडो से दिस इज द व्यू। नाइस ना द वेदर, वेदर इज ऑल्सो वेरी गुड। चलो गाइस, चेकआउट करने का टाइम हो गया, लेट्स गो आउट। होटल से चेकआउट के टाइम पे एक सोवेनियर दिया था एंड इट वाज रियली प्रिटी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जेस्चर। एंड हम लोग टाइम से निकल गए थे एंड यहाँ से ऑलमोस्ट 1 घंटा टाइम लगता है एयरपोर्ट पहुँचने में, सुबह के टाइम था, ट्रैफिक की चांसेस थे, तो इसलिए हम लोग हाथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेके निकले थे ताकि कोई भी चांस से डीले ना हो। हम लोग चेन्नई एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, यहाँ से 2 2 सेक्टर करना था सिंगापुर एंड सिंगापुर बैक। बहुत ही लॉन्ग सेक्टर है, फुल सर्विस है, बार भी सर्विस होता है उसमें, अल्कोहल सर्विस होता है। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आई वॉज सुपर टायर्ड, मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला कि मैं ऑन बोर्ड कुछ वीडियो बना पाऊँ, इट वॉज सुपर टायरिंग। वीडियो में देखो मेरा आँख भी बंद हो रहा है, खुल नहीं रहा है। 4.5 घंटा जाने का एंड फिर 5.5 घंटा आने का, बीच में ऑलमोस्ट 1 घंटे का हॉल, सब फ्लाइट कम्प्लीट करके आई वॉज सुपर एग्जॉस्टेड एंड मेरे में थोड़ा सा भी एनर्जी बचा हुआ नहीं था। और मैं चली गई थी सीधा अपने कैब की तरफ और कैब करके मैं घर आ गई थी। सॉरी आई कुडेंट टॉक इन द वीडियो, मेरे साथ क्लबिंग था, दूसरे क्रू भी मेरे साथ आ रहे थे, इसलिए मैंने अपने नॉर्मल वीडियो स्टाइल से थोड़ा सा चेंज करके इस बार कुछ डिफरेंट वीडियो बनाया है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलना कि कैसा लगा है वीडियो, क्योंकि ऐसे वीडियो आगे भी बहुत सारे आने वाला है। एंड टिल देन, बाय।